हेलो एंड वेलकम, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से, और स्वागत है आप लोगों का पहाड़ की इन खूबसूरत हसीन वादियों में एक बार फिर से। तो चलिए दोस्तों, करते हैं आज का वीडियो शुरू, एक नए दिन नए वीडियो का शुरुआत करते हैं। तो आज मैं अभी दोपहर में वीडियो बना रहा हूँ। आज यहाँ पर हमारे घर के पीछे थोड़ा सा कुछ दूरी पर है एक घर, और वहाँ पर हो रही है शादी, तो चलिए वहीं पर चलते हैं। और अब तो लंच की भी टाइम हो गया है, थोड़ी देर में लंच तैयार हो जाएगा। लंच करने के बाद फिर बारात आएगी, तो सभी चीज़ें आप लोगों को आज के वीडियो में मैं दिखाऊंगा। और यहाँ पे कुछ लोग ऊपर से आ रहे हैं दाल और चावल लेके, दोस्त लोग, और ये ले जा रहे हैं दाल और भात। हाँ, तो ये चले गए हैं यहाँ से दाल और भात देने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अभी हमें यहाँ से जाना है ऊपर को, ऊपर वाले घर में। यहाँ पे रास्ते में रखे हुए है एक डोली, तो अब थोड़ी देर में जब बारात आएगी तो बारात के टाइम पर इसको थोड़ा सा सजाया जाएगा। और यह है डोली, इसमें यहाँ से दूल्हे को ले जाया जाएगा यहाँ से ऊपर, जहाँ पे बारातियों का स्वागत। ये है योगेश, और ये है अंशु, और ये है पवन। पवन को आपने पहले भी देखा होगा। और ये अभी कहाँ से आ रहे हैं, जहाँ पे शादी हो रही थी, अब घर जा रहे हैं। चलो ठीक है। तो दोस्तों, अभी मैं पहुँच चुका हूँ जहाँ पे होगी बारात के स्वागत, और ये मेरे पीछे वाला घर, यहाँ पर हो रही है शादी। और घर के सामने यहाँ पर है एक दो खेत, और यहीं पर होगा बारातियों का स्वागत। और यहाँ पे टेंट वगैरह लगाया गया है, और यहीं पर कुर्सियाँ वगैरह लगेगी, और एक साइड से दूल्हे के लिए यहाँ पे ये अलग से कुर्सियाँ रखा गया है। और इन पे आप लोग देख रहे होंगे कि कबर वगैरह चढ़ा के रखा गया है, और गद्दी इस पर लगाना बाकी है। और ये भी एक साइड में यहाँ पे सजाया जाएगा, उसके बाद आप लोगों को थोड़ी देर के बाद दिखेगा कि किस तरीके से यहाँ पर इस खेत में यहाँ पर सभी बारातियों के लिए बैठने के लिए व्यवस्था किया जाएगा। तो यहाँ पर कुछ बच्चे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं पहले से, आप लोग देख रहे होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे जितने भी ये लोग नीचे से आ रहे हैं, ये सभी गांव वाले हैं और खाना ले जाने के लिए आ रहे हैं। जो लोग यहाँ पे खाना खाने नहीं आ पाते हैं, तो सभी के लिए यहाँ से खाना ले जाया जाता है घरों में। कोई बच्चे होते हैं, बूढ़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, कहीं कहीं गए हुए होते हैं, बाकी जितने भी आए हुए हैं उनको यहाँ पे खाना परोसा जा रहा है। और यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि इस खेत में भी सभी कुछ लोग बैठे हुए हैं, और कुछ लोग ऊपर वाले खेत में यहाँ पे बैठे हुए हैं खाना खाने के लिए। तो यहाँ से मैं आप लोगों को यहाँ पे ये दिखा देता हूँ कि हमारे सुनील भाई भी यहाँ पर बैठे हुए हैं खाना खाने के लिए, और इनका जो कटिंग है वो रसल आंध्र रसल की तरह कटिंग कर रखा है एक दोस्त ने। और यहाँ पे पहाड़ी चटनी के साथ यहाँ पे हैं हमारे सुनील भाई, और चटनी तो बहुत ज़्यादा ले रखा है इन्होंने अपनी थाली में। बाकी दोस्त लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और कुछ यहाँ पर बाँट रहे हैं खाना, और यहाँ पर ऊपर वाले खेत में भी कुछ बाँट रहे, कुछ खा रहे हैं। और यहाँ पर अब सभी लोग आ गए हैं अपने अपने बर्तनों को लेके यहाँ पे खाना ले जाने के लिए, और सभी को यहाँ से मिलेगा खाना। और कुछ वहाँ पे दाल ले रहे हैं और कुछ यहाँ पे चावल, तो दाल और चावल इस तरीके से यहाँ पे बांटे जाते हैं जितने भी लोग, छोटे बच्चों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, अपने अपने घरों में ले जाया जाता है। और यहाँ से एक नज़ारा मैं आप लोगों को अपने गाँव से, गाँव का, और गाँव के जो गाँव के बाहर जो पहाड़ हैं उनका यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये आप लोग देख रहे होंगे, बहुत ही सुंदर नज़ारा यहाँ पे दिखता है। कुछ गांव इस साइड भी है हमारे, कुछ घर इस साइड भी है हमारे गांव के। और यहाँ पे जो ये खेती है, ये गेहूं की खेती हो रखी है, बाकी जौ की कटाई तो हो ही चुकी है लगभग लगभग। और आज आसमान में बादल बहुत आए हुए हैं, और इस वजह से आज का मौसम जो है वो ठंडा है, नहीं तो मौसम बहुत गर्म होता है, और धूप बहुत ज़्यादा होती है आजकल दिन में। तो यहाँ पे मौसम आज अच्छा खासा, बहुत ही सुंदर मौसम। दोस्तों, यहाँ पे दिया जा रहा है दाल सभी को, जो मैंने आप लोगों को ऊपर से, मैंने आप लोगों को एक सूट भी दिखाया, तो सभी को यहाँ पर दाल मिल रहा है, और ऊपर वाले खेत में मिल रहा है चावल। तो यहाँ पर हमारे कलम भाई भी दाल के वेट कर रहे हैं, पर इनको यहाँ पे लाइन में लगने का टाइम भी नहीं मिल रहा है। दाल की लगने बहुत भीड़ लगी है, यहाँ पर हमारे कलम भाई को दाल नहीं मिल पा रही है। तो चलिए अब हम चलते हैं चावल वालों के पास। तो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं गाँव से थोड़ा दूर, जहाँ पर शादी हो रही थी वहाँ से हम आए साइड को। और यहाँ पर जब हम आए तो हमारे आने के बाद यहाँ पर बहुत सारे दोस्त लोग और आ रहे हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि नीचे यहाँ पर सभी को मैं आप लोगों को मिलाता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे
अभी पता नहीं कहाँ जा रहे हैं ये सभी दोस्त लोग अभी। कोखरे कहाँ जा रहे हैं अभी? हमने सोचा तो ये आप लोगों ने देखा होगा कि सभी लोग यहाँ पर आ रहे हैं भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। भर्ती की तैयारी यहाँ पे हम आप लोगों को सड़क पे दिखाएंगे। ये है मेरी गांव मेरी सड़क वाली सड़क, ये आप लोग देख रहे होंगे। ये सीमेंट का है अभी और कुछ टाइम के बाद इसमें हो सकेगा तो डामरीकरण वाला सिस्टम भी चालू हो जाएगा और ये हमारे गांव के ऊपरी ऊपर आगे तक जाएगा। बाकी नीचे वाले नीचे तो एक सड़क है ही जहाँ पे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना वाली सड़क है, तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ से सामने का नज़ारा बहुत ही सुंदर दिखता है। और जो ये बांध है यहाँ पे ये सभी बांध पाले गए हुए हैं गांव की ओर से और टाइम टाइम पे इन्हें काटा जाता है। बाकी यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा गेहूँ की खेती और सभी लोग यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ये भर्ती की तैयारी करते हैं सुबह शाम। और यहाँ पे इन्होंने जिम करने के लिए बिल खींचने के लिए यहाँ पे बनाया हुआ है लकड़ी से। तो चलिए अब यहाँ से हम चलेंगे जहाँ पे शादी हो रही है और शादी वाली वीडियो आप लोगों के लिए आज लाएंगे हम। तो दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे बारात की गाड़ियाँ आ चुकी है और यहाँ पे सड़क में आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे आ रहे हैं बारात की गाड़ियाँ और यहाँ पे हमारे दोस्त लोग बैठे हुए हैं ये भी यहाँ पे बारात की गाड़ियों को देख रहे हैं। इन्होंने शायद आज तक गाड़ी देखी नहीं है सभी लोग यहाँ खाली छकारी है। अच्छा तो इन्होंने देखा है पहले भी गाड़ियाँ पर बाराती वाली गाड़ियों को देख रहे हैं यहाँ से कि कितनी गाड़ियाँ आ रखी है। यहाँ पे कम से कम 4-5 गाड़ियाँ तो आ गई है बाकी और आ ही रहे होंगे नीचे को। तो अब हम यहाँ से चलते हैं जहाँ पे बारात आएगी वहाँ पे चलते हैं उस घर में। तो दोस्तों बारातियों के लिए हमने यहाँ पे तैयारी कर ली है, बाराती यहाँ पे बैठेंगे और बाराती भी आने वाले हैं।